Mahābhāṣyam. So, Sarathvi Kaksha. गुरुजी 170 पृष्ठ पर जो पाकम पचति वाली बात थी वो देखिए पाकम पचति इत सामान्य विशेष भाव येन सह प्रयोग पाकम पचति इति वत् सामान्य विशेष भाव येन सह प्रयोग एक ही धातु का साथ साथ कैसे प्रयोग हो जाता है प्रश्न तो यह है जैसे करणम क्रियते तपर करणम क्रियते ये जो तपर करणम क्रियते इस प्रयोग के ऊपर आपत्ति है कि करणम क्रियते ये कैसे हो जाएगा पचनम पचनम क्रियते तो ठीक है पठनम क्रियते ठीक है करणम क्रियते का क्या तात्पर्य तो बोले कि पाकम करोति तो ठीक है पाकम पचति का क्या तात्पर्य पाकम पचति जैसे पाकम करोति तो ठीक है पाकम जो है विशेषवाची है करोति सामान्यवाची है तो वहां तो अन्वय हो जाएगा पर पाकम पचति कैसे कर दिया एक को सामान्य मान रहे एक को विशेष मान रहे कौन से को सामान्य कौन से को विशेष पाकम पचति यदि पाकम पचति करोति अर्थ में पचती है ना तब तो पचति सामान्यवाची हो जाएगा पाकम विशेषवाची हो जाएगा पाकम पचति पाकम करोति पचति को यदि करोति अर्थ में मान लें तो पाकम जो है विशेषवाची और करोति सामान्यवाची नहीं पचति सामान्यवाची ऐसे करणम करोति करणम विशेषवाची और करोति सामान्यवाची सभी धातु विशेषवाची होती हैं क्री भू अस इनको छोड़कर भू के अर्थ में और अस के अर्थ में वर्तते विद्यते संपद्यते ये जो है एक ही मान रहे हैं क्रिभस्तया सामान्य वचना पचादय विशेष वचना ऐसे भावी सूत्र पर कहा है ना तो वर्तते विद्यते संपद्यते इनको भी सामान्यवाची के अंतर्गत ही गिनेंगे पाकम पचति पचति सामान्यवाची और पाकम विशेषवाची तपर करणम विशेषवाची क्रियते सामान्यवाची एक विशेष प्रकार के करने को तपर करणम से कह रहे हैं और ये प्रश्न वहां मैंने कहा ना जैसे भावी सूत्र पर भूति भवनम भाव यहाँ पर भी ये समस्या रखी है कि विशेषवाचियों से सामान्य अर्थ को कहने के लिए भाव में घय आ जाता है तो भू धातु से भाव में घय कैसे आएगा सामान्यवाची से सामान्यवाची को कहने में कैसे आएगा तो क्रिया कारक आदि भेद से वहाँ पर ये बात लिखी है क्रिया कारक आदि भेद से उसको विशेषवाची मान लेंगे जिससे प्रत्यय कर रहे हैं और जिस अर्थ में प्रत्यय कर रहे हैं उसको सामान्यवाची मान लेंगे भाव सामान्यमेव पचादय विशेष भूति भवनम इत्यपि पाकादिवत भूति भवनम इत्यादि भी पाकादि के समान कर्त्रादि भेदात भाव विशेषैव भाव सामान्य अनुगत इति द्रष्टव्य पाकादिवत कर्त्रादि भेदात भाव विशेष एवं भाव सामान्य अनुगत भाव विशेष को भाव सामान्य से अनुगत मान लिया पाकादिवत कर्त्रादि भेदात कर्तादि के भेद से पाक पक्ति पचनम कर्त्रादि भेदात स्त्री आदि भेदात इत्यपि बोध्यम कर्तादि भेद से स्त्री आदि बोध भेद से सामान्य भाव सामान्य अनुगत सिद्धत्व रूप सामान्य अनुगत
174 पृष्ठ पर उद्योत उधर संबंधा भावादिति शेषा शेषी भावा उस पंक्ति को किम तकार इत्यस्ताद परस्तप्र इति अनंगे कुर्वता इति शेषे और ये प्रदीप की बात है संबंधा भावात एवं स्थिते चोदयन्ति यद्येजर्थस तकार एज के लिए यदि तकार है तेन अकार संबंधवात कथम आति ते तत्पदम उच्यते कहते हैं यदि एज के लिए तकार है तो तेन आकार संबंध अभाव आकार के साथ तो उसका संबंध रहा नहीं कैसे आत ये प्रयोग किया तात्पर्येण एजर्थत्वम तकार सूचिते आनुसंगिकम तु आकारार्थत्वम तात्पर्य से तकार का एजर्थत्व कहा जा रहा है और आनुसंगिक आकार अर्थत्व भी बता रहे ज्ञापक द्वारे नि आकार प्रश्लेषे विज्ञायमाने प्रतिपत्ति गौरवम भवति जैसे कल हम देख रहे थे ना माला दिनाम च आदि प्रस्थे वृद्ध मकर का दिनाम ज्ञापक के द्वारा आकार प्रश्लेष मानेंगे तो प्रतिपत्ति गौरव होगा सती तु तकारे तकार होने पर आकार स्वरूप प्रतिपत्ति स्पष्ट भवति आकार के स्वरूप की प्रतिपत्ति स्पष्ट होती है और ज्ञापक के द्वारा यदि हम समझ भी लें आकार है यहाँ ऐच में सूत्र बनेगा ऐच और ऐच में आ भी प्रश्लिष्ट है ऐसा निष्कर्ष निकालेंगे ज्ञापक के द्वारा तकार सहितस्य आकारस्य असंदिग्ध अनुकार्य प्रतिपादनार्थ वत्वाद विभक्ति उत्पत्तो सत्याम आदि तत्पदम सिद्धम तात्पर्यतः ऐजर्थत्वेपि न तस्य परशेषत्वम् तात्पर्येण इसका क्या अभिप्राय है फलेन तात्पर्य माने इसका इसका जो तकार का अंततः है उसकी परिसमाप्ति तो वहां पर जा रही है एच के ऊपर अंततः है ये जो तकार है एच पर जाकर समाप्त हो रहा है तो संबंधा भावात मानी शेष शेषी भावा भावात शेष शेषी संबंध नहीं बनेगा संबंध जो है शेष शेषी संबंध ये यहाँ नहीं बनेगा चार और पांच नंबर टिप्पणी में कुछ दिया है इन्होंने अयम भावा तात्पर्यता ऐजर्थत्व भी न तस्य परशेषत्व ये जो है शेष का मतलब अंग शेषी अंगी तात्पर्य से ऐच के लिए होते हुए भी वो पर का शेष नहीं है पर का अंग नहीं है अंगांगी भाव संबंधा भावात इस तकार का अंगांगी भाव नहीं बनेगा तात्पर्य से ऐच के लिए होते हुए भी न पर शेषत्व ऐच का शेष नहीं है किंतु अगत्या प्रासंगिको कार्य से पूर्व सेव शेषत्व लेकिन अगत्या प्रासंगिकोप कार्य से पूर्व सेव शेषत्व ऐच दैच इति तु न पदम स्पष्टम कौस्तु बाधो कहते दैच पद नहीं है ये ऐसे नहीं माना जा सकता कि ये दैच पद है माने वृद्धिराधैच दैच पद है तय को दय हो रहा है तय से परे ऐच को तपर बता रहे हैं तय ऐच का ही भाग है तय ऐच का ही अंग है ऐसा तो नहीं माना जा सकता कौस्तुवादी में स्पष्ट है अतएव अत्र वृद्धि आत ऐच पद विभाग प्रदर्शक भाष्य संगति पहले एक जगह पसपसानिक में वृद्धि आत ऐच ऐसे पद विभाग दिखाया है और पांच नंबर में ननु अव्यवितो तरत्वस्य सत्वात् कथम तद अभावतः अव्यवित उत्तर है ऐच तो अव्यवित उत्तर है तो उसका संबंध अभाव क्यों दिखा रहे कहिए तकार के बाद सीधा जुड़ा हुआ है ऐच तो ऐसा क्यों कह रहा है कहिए संबंध अभाव संबंध तो है आगे हो पीछे हो संबंध तो हो ही सकता है कहीं संबंध हम पीछे से
बताते हैं, आगे से भी बता सकते हैं। तो ये क्यों कह रहा है कि ये ऐसा अयम बाबा एकार्थ एकार्थक वर्ण समूह पदम, एक अर्थ वाला जो वर्ण समूह होता है वो पद होता है, बहुव्रीहि एकार्थक, एक अर्थ वाला जो वर्ण समूह होता है वो पद होता है। इदम तु ऐज अर्थम न आकार अर्थम, और ये हो गया ऐज के लिए, आकार के लिए है नहीं, तो आकार के साथ तो संबंध नहीं रहा ना। एकार्थक वर्ण समूह पद होता है, और ये हो गया ऐज के लिए, तो अब आकार के लिए तो रहा नहीं, तो उसके साथ संबंध से संबंध कैसे करें। तथा च तद अनुपकारिण तस् कथम तत्शेषत्वम, जब वो उसका उपकार ही नहीं कर रहा आकार, जो शेष होता है उपकारक होता है और शेष ही उपकारी होता है, तो जब वो उसका उपकार ही नहीं करता तो उसका शेष कैसे होगा। तदुक्तम तादर्थेनि शेषत्वं नास्त्रयाश्री भावत राजार्थोपैकं नित्यं उष्ट्रो वहति कुंकुमं। तादर्थेनि शेषत्वं, जो उसके लिए होता है वो उस शेष होता है, जैसे तय आ के लिए हो उपकार के रूप में तब तो शेष बने। तादर्थेनि शेषत्वं नास्त्रयाश्री भावत, आश्रयाश्री भाव से शेषत्व की पकड़ नहीं होती है, पहचान नहीं होती है, आश्रय आश्रय भाव के आधार पर शेषत्व नहीं देखा जाता। ये आज जो है तय का आश्रय ले रहा है, इतने मात्र से शेष बन गया, तकार आकार आश्रय ले रहा है तो आकार आकार का आश्रय लेने से, मैंने आ के साथ जोड़ रखा है ना, तो आकार आश्रय लेने से ये शेष बन गया, आकाश शेष बन गया, ऐसा नहीं होता है। तादर्थे नहीं शेषत्व नाश्रय आश्री भावता। अब आगे कहते हैं शेष, शेष अंग होता है, गुण होता है, उपकारक होता है, विशेषण होता है, शेष तकार है, शेषी आकार है। तो शेषत्व कहाँ के लिए होता है, बड़ी अच्छी बात कही है। तादर्थे निशेषत्व नाश्रय आश्रय भाव, आश्रय आश्रय भाव के आधार पर शेषत्व नहीं होता, तादर्थ के आधार पर शेषत्व होता है। राजार्थोपैकम नित्यम उष्ट्रो वहति कुंकुमम, ऊंट के ऊपर कुंकुम लदा हुआ हो वो राजा के लिए होता है, ऊंट के लिए नहीं होता। कुंकुम जो है ऊंट के ऊपर लदा हुआ है, आश्रय तो ऊंट का आश्रय ले रहा है ना कुमकुम, तो आश्रय आश्रय भाव के आधार पर देखें तो ये उष्ट्र का शेष बन जाए कुमकुम पर, उसका शेष नहीं, राजा का शेष माना जाएगा, राजा का उपकारक माना जाएगा। तो आदेश में जो तकार है तो आ का शेष आश्रय आश्रय भावत माने तब तो हो सकता है आकार का, लेकिन उपकारी उपकारक भाव से यदि शेष शेष संबंध को देखें उपकारी उपकारक भाव के आधार पर, तो एच का शेष बनेगा न कि आकार का शेष बनेगा, और उसका शेष बनेगा तो आ के साथ संबंध नहीं हो सकता है। राजार्थ उपैकम, उपैकम औपैकम शब्द है, राजार्थ उपाय, राजार्थ उपैकम उपयुक्त अर्थ दिया है, राजार्थोपैकम राजा के लिए, औपैक का अर्थ एक उपयुक्त है, एक प्रयत्न से प्राप्त है, राजार्थोपैकम। क्या धातु है गुरुजी? उपाय से ठक कर रखा है। ये जो आकार कहाँ जाएगा? हुँ? उपाय यदि करेंगे तो औपायिक बनेगा, ये औपायिक है गुरुजी, उसको अरस कर दिया उपाय को, उपाय और प्रतिकार ये अर्थ भी दिए हैं पुल्लिंग में, और विशेषण जब होता है तो प्रयत्न से प्राप्त या उपयुक्त अर्थ दिया है। राजार्थोपैकम, राजार्थ उपयुक्त, राजा के लिए उपयुक्त जो
नित्य उपयुक्त है कुमकुम विशेषण है राजार्थोपैकम कुमकुम राजा क्या होता है गुरु जी जी कुमकुम 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 तो कुछ है ना कुछ केसर केसर गुरु जी इसमें काशिका में दिया है 106 पृष्ठ पर औपयिक उपायाद हाँ उपाय दर्शो तुम इस सूत्र पर है हाँ विनयादि विष्टक उपाय दर्शो तुम ध्यान था वो रस्वत्व जो है ठीक है संबंधाभावात शेष शेषी भाव अभावात तांतस्य पदत्वाभावे जस्तुम न स्यादिति भावा और जब तांत पद नहीं होगा तो जस्तु नहीं होगा ये एक समस्या आएगी तो ऐसा कैयट ने कहा कथम आते तत् पदम उच्यते कहते तात्पर्य निजर्थत्वम तकार सूचित है अनुसंगिक तो आकारार्थत्वम तात्पर्य तो इसका उसमें है आनुषंगिक रूप से आकार के लिए भी है जहाँ पर आनुषंगिक मुख्य रूप से तात्पर्य मुख्य रूप से तो उसके लिए है एच के लिए तात्पर्य का यहाँ मुख्य रूप से अर्थ जाएगा मुख्य रूप से तो एच के लिए है और आनुषंगिक जो शब्द है ना इससे ही पता लग रहा है कि तात्पर्य माने मुख्य रूप से आनुषंगिक माने गौण रूप से आकार के लिए भी है कोई पूछे गौण रूप से आकार के लिए कैसे है स्वरूप प्रतिपत्ति के लिए स्पष्ट प्रतिपत्ति के लिए है वृद्धि आदेश में आई ची यदि बना दें और आ ग्रहण करें ना उसमें स्पष्ट प्रतिपत्ति नहीं होती जो जो उद्योत में तांतस्य पदत्वाभावात आत्पद की बात कर रहे हैं नहीं यदि तय को आ के साथ ना जोड़े और तय को एच के साथ जोड़े तो तकारांत नहीं होगा पद नहीं होगा फिर आत की बात कर रहे हैं आत में जो तकार है वो यदि एच का ही संबंधी हो तो फिर पदत्व नहीं बनेगा और दय नहीं हो पाएगा आ के साथ तो बन ही जाएगा और आ के साथ बनने से दय भी हो जाएगा प्रासंगिक उपकार्य से प्रासंगिक उपकार्य जो है ना पूर्व का ही शेषत्व मान लिया ये व्याकरण मीमांसा बहुत ही ज्यादा आपस में गुथे हुए हैं माने उसका जो वाक्यार्थ निर्णय पक्ष है ना उदाहरण जैसे कोई वेद आदि शास्त्रों का दे दे इन सूत्रों का अपनी रुचि के अनुसार कोई उनका दे दे कोई साहित्य का दे दे कोई ब्रह्मचारियों से संबंधित दे दे कोई गृहस्थ के व्यवहारों से संबंधित दे दे तो व्याकरण शास्त्र ये नहीं कहा जाएगा कि गृहस्थ विद्या का शास्त्र है कोई सन्यासियों के उदाहरण दे दे एक कोई व्याख्याकार कोई एक गृहस्थियों का उदाहरण दे दे और गृहस्थियों का ही मिले सारे उदाहरण और मिले नहीं तो ऐसे नहीं कहेंगे कि व्याकरण शास्त्र जो है गृहस्थ विद्या का शास्त्र है उदाहरण दे रखे हैं वो पर वो कोई और ऐसा आया नहीं कोई और व्यक्ति ऐसा आया नहीं जो उदाहरण दूसरे शास्त्र का दे करके उसको घटा सके वे ही उदाहरण मिलते रहे उन्हीं के ऊपर काम करते रहे ब्राह्मण ग्रंथों पे जो वाक्य है ना ब्राह्मण ग्रंथों के वाक्यों को कैसे अर्थ निर्णय किया जाए वही विषय है तो वाक्य तो भाषा में आते ही है इसलिए ऐसा कहते हैं कि मीमांसक ऐसा मानते हैं पहले पहले तो मैं भी सोचता था कि ये मीमांसक ये वाक्य के बारे में इतना मीमांसक ऐसा मानते हैं ये कहाँ से आ जाता है मीमांसा में तो वो सब जो है यज्ञीय कर्मकांड का विषय इसी तरह न्यायिक ऐसा मानते हैं तो न्याय में तो और ही तर्क वितर्क चलते हैं और फिर तो ये न्याय शास्त्र भी जो है इसके साथ जुड़ा हुआ है भाषा को बीच में लेकर के
अर्थ निर्णय करने के लिए जुड़ा हुआ है। तो ये तीन मुख्य वो हैं, तीन आचार्य मुख्य हैं जो भाषा के ऊपर विचार किया, एक वैयाकरण, एक नैयायिक और एक मीमांसक। इसलिए कहते हैं कि वैयाकरणों की दृष्टि ये है, नैयायिकों की दृष्टि ये है और मीमांसकों की दृष्टि ये है। नैयायिक जो है भाषा को कैसे देखते हैं, प्रमाण के ऊपर नैयायिकों का जो वो है जोर, तो उसमें तीन प्रमाण जैसे प्रत्यक्ष न्याय सिद्धांत मुक्तावली में तीन खंड बना करके पूरी पुस्तक को परिसमाप्त किया, प्रत्यक्ष खंड, अनुमान खंड और शब्द खंड। इको गुण वृद्धि इग्रहणम किमर्थम, अवयव के द्वारा समुदाय पर प्रश्न है। इको गुण वृद्धि जो है अवयव के द्वारा समुदाय के ऊपर प्रश्न है। वक्षमाण ज्ञापक वसाद आकार आदि निराश आदि का एक गुण वृद्धि पारिशेष न्याय से एक ग्रहण कर लेंगे, एक के स्थान में गुण वृद्धि हो जाएंगे, आगे ज्ञापक आदि देंगे। एक यदि हम नहीं कहते तो गुण वृद्धि भी कहने की कोई जरूरत नहीं है। कोई यूं कहे कि न धातु लोपार धातु के में तो गुण वृद्धि की जरूरत है, अत्रिदम किमर्थम इतिहास है प्रश्न। ये प्रश्न जो है इस बात को ध्यान में रख करके नहीं है कि अगले वाले सूत्रों में तो गुण वृद्धि की जरूरत है ही, किंगति च आदि, पर यहीं के लिए पूछ रहे हैं कि एक पद नहीं है तो गुण वृद्धि भी जरूरत नहीं है। न धातु इति छह नंबर टिप्पणी में दिया ना, अवयव द्वारा समुदाय प्रश्न तत्पद अभाव गुण वृद्धि ग्रहण में भी नावश्यक इतिहास है, न धातु इति सूत्रे अस्य आवश्यकत्व भी है जी, न धातु लोपार धातु के सूत्र में तो जरूरत है ही इको गुण वृद्धि की, कि धातु के अवयव का लोप हो तो एक के स्थान में गुण वृद्धि नहीं होते है ही जरूरत। आवश्यकत्व भी अत्रेदम किमर्थम इतिहास है इन प्रश्न, जब आवश्यकत्व है तो यहां ही को गुण वृद्धि क्यों बनाए, वहीं बना दो, वहीं उसके साथ रख दो, ऐसा प्रश्न। एक ग्रहण आद संध्यक्षर व्यंजन निवृत्त्यर्थम, एक ग्रहण इसलिए किया कि आकार को हटाना चाहते हैं, संध्यक्षर को हटाना चाहते हैं, व्यंजन को हटाना चाहते हैं, आकार आदि नाम स्थानी स्थानित्व से निवृत्त्यर्थम, आकार आदि के स्थानित्व को निवृत्त करने के लिए एक ग्रहण किया है। ऊपर उद्योत में गुरु जी निषेध समर्पण समर्पणाय आवश्यकत्व भी निषेध्य समर्पणाय गुण वृद्धि ग्रहण से उत्तरत्र निषेध्य समर्पणाय, निषेध्य के पूर्ति के लिए जो निषेध्य है वो किस, वो निषेध करता है ना, निषेध से संबंधित निषेध्य, निषेध्य की पूर्ति के लिए समर्पणाय, निषेध्य को समर्पित करने के लिए निषेध किसका करते हैं, गुण वृद्धि का। तो न धातु लोप आर धातु के सूत्र में निषेध्य को समर्पित करने के लिए निषेध्य समर्पणाय आवश्यकत्व भी, उसकी आवश्यकता है। एक पद से इका स्थाने इत्यर्थार्थम आवश्यकत्व भी, और एक पद की भी इक के स्थान में निषेध्य के समर्पण के लिए तो गुण वृद्धि की आवश्यकता है, ठीक है जी। और ये गुण वृद्धि तो निषेध्य है ना, इक के स्थान में गुण वृद्धि नहीं होते, गुण निषेध जो कर रहे हैं वो किसका कर रहे हैं, तो निषेध्य तो गुण वृद्धि है, तो निषेध्य अर्थ की पूर्ति के लिए, निषेध्य अर्थ को समर्पित करने के लिए आवश्यकत्व भी एक पदसी का स्थान है इत्यर्थार्थम, एक पद का एक के स्थान में इस अर्थ को बताने के लिए आवश्यकता होते हुए भी योग विभाग विषय को एवं प्रश्नाम, मैंने भी तो ये बात कही थी ना कि भर यहाँ अलग से क्यों कर रहे हो, वहीं कहो
न धातुलोप और धातु के में ही कह दो, योग विभाग विषयक प्रश्न। कई सूत्रों में योग विभाग विषयक प्रश्न है, जैसे कि तस्यापत्यम अतीय, तो वहाँ प्रश्न किया है कि तस्यापत्यम अतीय अलग से सूत्र क्यों बना रहे हो, तस्यापत्यम अतीय एक ही सूत्र बनाओ, तस्यापत्यम सूत्र क्यों बनाया। तो ये प्रश्न केवल सूत्र के बनाने पर नहीं है, प्रश्न जो है योग विभाग पर है। तस्यापत्यम की तो जरूरत आती है इत्यादि के लिए, तस्यापत्यम को अलग से क्यों बना रहे हो अर्थ निर्देश करने के लिए। अलग से नहीं बनाएंगे तो अपत्य अर्थ में प्रत्यय कैसे करेंगे, कोई कह सकता है ना? क्या उत्तर दोगे? अलग से जिन प्रकृतियों से हमने प्रत्यय विशेष कर दिया वो तो कर ही दिया, नडा दिव्या फाकती हैं गर्गा दिव्या हैं, पर जिन से नहीं किया अण प्रत्यय कैसे हो पाएगा उनसे? तो बोले तस्सेदम अर्थ में हो जाएगा, तस्सेदम में इदम के इदम विशेष है ना, इदम एक सामान्य अर्थ है, इदम विशेष है अपत्य समूह विकार आदि। तब तो वहां पर योग विभाग विषय प्रश्न ऐसा कहते हैं, तस्सेदम सूत्र क्यों बनाया, योग विभाग क्यों किया, एक ही बना दो, ऐसा ही यहां कर रहे हैं। निषेध मानी गुण वृद्धि को उस सूत्र में पूरा करने के लिए, पूरा करने के लिए समर्पण पूरा, निषेध अर्थ की पूर्ति के लिए, निषेध अर्थ को समर्पित करने के लिए, देने के लिए। एक ग्रहणम आद संध्यक्षर व्यंजन निवृत्ति अर्थम, एक ग्रहण किया जाता है आद संध्यक्षर और व्यंजन की निवृत्ति के लिए। एक ग्रहणम क्रियते किम प्रयोजन आकार निवृत्ति अर्थम, देखिए आकार निवृत्ति का स्थानित्व निवृत्ति अर्थ, आकार आदि के स्थानित्व की निवृत्ति के लिए, आकार स्थानी न बने। यदि नहीं कहेंगे गुण वृद्धि होते हैं तो आ की जगह भी होने लगेगा, व्यंजन की जगह होने लगेगा, एच की जगह होने लगेगा, ऐसा कह रहे हैं, ठीक है। आकार निवृत्ति अर्थम तावत याता वाता, आकार निवृत्ति के लिए संध्यक्षर निवृत्ति के लिए जैसे याता वाता है ना, या आगे त्रिच, एक नहीं कहेंगे तो या को गुण अ हो जाएगा, जो या है इसको अगुण होने लगेगा, याता वाता आकार निवृत्ति आकारस्य गुणा प्राप्नोति ग्रहणाद् न भवति। इस सूत्र से पाएगा सार धातु का अर्धातु को, जब इको गुण दि सूत्र नहीं होगा तो सार धातु आर धातु का जो सूत्र है वो आकार के स्थान में गुण कराने लगेगा, दीर्घा को हरस्वकार होने लगेगा, सार धातु का आर धातु का। संध्यक्षर निवृत्ति का भी समझ लो, ग्लई आ ये धातु है, जैसे ग्लई है और ये शप है और ये तिप है, सार धातु का अर्ध धातु को आई के स्थान में गुण हो जाएगा ए, ग्लायती रूप चाहिए, ग्लायती रूप बनने लगेगा, ऐसे कह रहे हैं। संध्यक्षर निवृत्ति के लिए ये ग्रहणा न भवती। तीसरी बात व्यंजन निवृत्ति के लिए उम्भीता है ना, उभ उम्भ पूर्णे व्यंजन निवृत्ति के लिए ये जो भय है इसको ओ गुण हो सकता है या स्थानांतर तमा से करें तो ओ गुण होने लगेगा। उम्बिता उम्बितुम उम्बितुम तव्यम व्यंजन से गुणा प्राप्त होती घृणा न भवती। ये तीन प्रयोजन दिए वार्तिककार ने, भाष्यकार तीनों का खंडन कर रहे हैं।
और फिर स्वयं ही कुछ कुछ करेंगे कई दूर तक, कभी खंडन कभी मंडन। आकार निवृत्ति अर्थेन तावनार्थ, वार्तिककार ने तो इतना कह करके छोड़ दिया। वार्तिककार की बात तो ठीक ही लगती है, आज संदक्षर व्यंजनों को ना हो इसलिए ग्रहण किया है। वार्तिककार जो है सूत्रों की व्याख्या भी एक प्रकार से वार्तिकों के द्वारा कर रहे हैं ना, यहाँ जैसे व्याख्या ही हो रही है, ये ग्रहण क्यों किया पाणिनि महाराज ने? तो कहते हैं ग्रहण इसलिए किया है आज संध्याक्षर व्यंजनों को गुण ना हो। भाष्यकार कहते हैं कि आकार निवृत्ति के लिए तो कोई आवश्यकता नहीं। वार्तिककार से कह रहे हैं कि आकार निवृत्ति के लिए तो कोई जरूरत नहीं है, आचार्य का व्यवहार जतलाता है ना आकार से गुण भवति, आचार्य का व्यवहार जतलाता है कि आकार को गुण नहीं होता, जो कि आत्मसर्ग एककारम अनुबंधम करोति कथं कृत्वा ज्ञापकम गोदा कंबलदा इत्यादि उदाहरणों में। जैसे गो और दा धातु आत्मसर्ग ककारम अनुबंधम, ककार अनुबंध का ये प्रयोजन है कि आतलोपिटी जैसे आ का लोप हो जाए गोदा रूप बन जाए। यदि आ को गुण हो जाए तो ककार अनुबंध की आवश्यकता नहीं। एक प्रकार से मान लीजिए अप्रत्यय कर दें, अप्रत्यय तो कई जगह किया ही है, कर सकते थे अप्रत्यात अप्रत्यय कर दें तो गुण यदि हो जाए तो दा को दय बन गया, अतो गुण पर रूप। ककार अनुबंध जो कर रहे हैं उससे आचार्य का भाव पता लगता है कि आकार को गुण नहीं होता। कथं कृत्वा ज्ञापकं कित करणे तत् प्रयोजनं किति इति आकार लोपो यथा स्यात्, यदि च आकार से गुण स्यात् कित करणम् अनर्थकं स्यात् गुणे कृते द्वयो आकारयो पर रूपेण सिद्धं रूपं स्यात्। गुण कर लेने पर दोनों आकारों को पर रूप से पर रूप होकर के रूप हमारा सिद्ध हो जाएगा गोदर कंबल दह। पश्यति तो आचार्य, फिर आचार्य देखते हैं कि ना आकार से गुण भवति, आकार को गुण नहीं होता, ततः ककार अनुबंधम करोति, तब जाकर के ककार अनुबंध हो पाएगा, ककार अनुबंध की चरितार्थता हो पाएगी। न आकर्ष गुण भवति तब ककार अनुबंध की चरितार्थता सार्थकता हो पाएगी। और भाष्यकार कहते हैं संदक्षर निवृत्ति अर्थे न अपिनार्थ उपदेश सामर्थ्या संदक्ष सरस्य गुणों न भविष्यति। कहते हैं देखो ग्लई धातु थी ना, तो उपदेश सामर्थ्य से गुण नहीं होगा। प्रतिपत्ति लाघवार्थम एकार में उपदेशेत आचार्य, यदि गुण चाहते तो ग्लई उपदेश क्यों करते, फिर तो ग्ले पढ़ते, ग्ले मले हर्षक्षय ऐसा धातु सूत्र बनाते उपदेश सामर्थ्यात। गुरुजी ऊपर प्रदीप में आर धातु की बात क्या कह रहे हैं, अतोलोपस्तु न भवति। प्रदीप ये कह रहा है कि अतोलोपस्तु न भवति आर धातु उपदेश में जो आकारांत ऐसा सूत्र का अर्थ है, किसका अतोलोप नहीं होता, अतोलोपस्तु न भवति गुण निष्पन्नस्य तदुत्तरकालिक। गुण निष्पन्न होने के बाद जैसे ये हो गया द, ठीक है जी, और यदि यहाँ पर ए कर दिया तो आर धातु उपदेश में जो अकारांत होना चाहिए, ये तो गुण होने के बाद अकार आया है तो अतोलोप नहीं होगा। कि कोई कहे कि यहाँ पर अगुण हो जाएगा तो फिर अतोलोप होने लगेगा। अतोलोप का अर्थ क्या देख रहे हैं है? अतोलोप सूत्र का अर्थ क्या कर रहे हैं? हाँ उसका अर्थ ये कर रहे हैं आर्धातुक उपदेश में जो आर्धातुक उपदेश में जो अकारांत, ये आर्धातुक उपदेश में अकारांत थोड़ी है, आकारांत है जो प्रत्यय है ना आर्धातुक, उस उपदेश में जो अकारांत होता है तो लोपा आर्धातुक की अनुति आ रही है ना ऊपर से, आर्धातुक उपदेश है यद अकारांतम तस्य लोपो भवति, ऐसा अर्थ देख रहे हैं। तो
तो यहाँ लोप नहीं होगा, आ को अगुण करने के बाद ये लोप नहीं होगा। तो लोप का अर्थ ऐसा ही करना चाहिए जी, अर्धातु देश में जो अकारांत। हाँ, या सामान्य रूप से अभी कुछ बोल रहे हैं, आगे कुछ और बोले। अर्धातु उपदेश में कारंत, अर्धातु उपदेश में कारंत, ऐसा ही। गुरु जी दो प्रकार से रूप सिद्ध हो सकते थे, एक पररूप से और एक अतलोप से। तो अतलोप को अभी कह रहे हैं कि इससे नहीं होगा, पररूप से ही करेंगे, क्योंकि वो अर्धातु उपदेश या तो अकारांत है, ये ऐसा नहीं है जी। जी तो, और इनका प्रश्न ये है कि क्या इसका ये निर्णीत अर्थ है अर्धातु उपदेश में करंत, या केवल तात्कालिक रूप से बीच में कोई बात आ गई, उत्तर दे दिया प्रदीप ने, वो समझ गए इन्होंने जो बात कही कि दो तरीके से अतोगुणे से भी गोदर बना सकते हैं और लोभ के द्वारा भी, तो अतोलोपा तो नहीं हो पाएगा क्योंकि उस सूत्र का अर्थ अर्धातु उपदेश में जो अकारांत है वहीं पर लोभ होता है, अतोगुणे से बना लेंगे। संध्याक्षर को भी उपदेश सामर्थ्या संध्याक्षर गुणों ने प्रतिपत्ति लाघव के लिए ना एक आर को उपदेश कर देते। भाष्यकार तीसरा व्यंजन निवृत्ति के लिए भी जरूरत नहीं, आचार्य का व्यवहार जतलाता है, न व्यंजनस्य गुणो भवति यदम जनेर डम शास्ति। एक ज्ञापक ले आए, भाष्यकार की बुद्धि बहुत ही तेजी से काम करती है। जनेर ड, जैसे सूत्र का उदाहरण है मंदुरजे आदि जन धातु से ड प्रत्यय किया, यदि व्यंजन को गुण हो जाता तो ड करने क्या जरूरत थी, आई कर देते, न को गुण हो जाता अ, न को गुण अ हो जाता और अतो गुण पर रूप हो जाता। तो इस तरह से जने डम कथन कृत्वा जे हम पूछते हैं कि डित करने तत् प्रयोजन डिति टीलोप सैत, यदि व्यंजन से गुण सैत डित करण अनर्थकम सैत गुणे कृते त्रयाणाम अकारणाम पर रूपेण इष्टम रूपम सिद्धम सैत, तीनों अकारों को पर रूप से सिद्ध हो जाएगा, उपसर्ज मंदुर जय। यहाँ पर जी अतोलोप लगा सकते हैं, जब न को अकार गुण किया एक बार अतोलोप लगाकर जय बना दिया, फिर बीच में अंतादि बच्चे यदि लाया जाए। अंतादि बच्चे तो वर्णाश्रय कार्य में लगता नहीं, अर्धातु उपदेश में अकारांत वाली बात है तो फिर यहां भी नहीं लगेगा। प्रमाण कृतांतरी से वैसा जब नहीं मिले, स्थान कृतांतरी ना मिले तो प्रमाण कृतांतरी से फिर आदि मात्रिक है ना, तो उसके निकटतम जो है उसी को, जैसे कहीं जैसे रेवली वाले आचार्य जी को राष्ट्रपति पुरस्कार मिला, तो ये आचार्य जी तो उस समय रुग्ण अवस्था में थे, तो अपने आचार्य सुरेंद्र जी जाकर ले आए, इनके साथ रहने वाले। तो ऐसे होता है, जैसे हरियाणा सरकार ने मेरे लिए भी एक छोटा सा पुरस्कार दिया था, अभी मैं यहाँ रहता था तो अभिदेव जी जाकर के ले आए। संस्कृत में की सेवा में जो लगे हुए हैं, गुरुकुल चलाते हैं ना, ऐसे कुछ लोगों को हरियाणा सरकार, तो ऐसे ही समझ लो। मैंने उदाहरण इस अर्थ में दिया कि वो तो इससे दूर पड़ रहे हैं, उसके नजदीक है ही, न के नजदीक है ही है। तो ये कह रहे हैं उपसर्ज मंदुरज पश्यति तो आचार्य न व्यंजन से गुण भवति तत्व जने डम शास्ती है। आचार्य ये देखते हैं कि व्यंजन को गुण नहीं होता है, इसलिए जनेर डम शास्ती जन धातु से ड शासन कर रहे हैं। ठीक हो गया,
अगर जब न के स्थान में हम अ करेंगे तो न के स्थान में अ करेंगे तो ये स्थानी के सदृश सानुनासिक प्राप्त होगा, ऐसा बनने लगेगा। तो इसका भी समाधान दे दिया उन्होंने कि पररूपेण शुद्धो भविष्यति, जब वो पररूप करेंगे तो बेशक अनुनासिक हो जाए, शुद्ध हो जाएगा। आगे देखिए, नैतानी संति ज्ञापकानी, हाँ जी, तीनों कोई बोल रहे हैं और एक एक को खबर ले रहे हैं, एक साथ तीनों को बोल दिया। भाष्यकार ने पहले खंडन किया, भाष्यकार ही ज्ञापकों का खंडन कर रहे हैं। अब जो प्रयोजन दिए थे ना, ऐसे कहा था ना, आकार निवृत्ति अर्थ इंतावनार्थ एक ग्रहण, आकार निवृत्ति के लिए नहीं, संध्यक्ष निवृत्ति के लिए, व्यंजन निवृत्ति के लिए नहीं, ऐसे कहा था ना। तो भाष्यकार कह रहे हैं नैतानी संति ज्ञापकानी, ये जो ज्ञापक दिए हैं ना, ये तो है ही नहीं, स्वयं तो ज्ञापक दिए हैं, स्वयं ही कह रहे हैं अब कि ये तो ज्ञापक है ही नहीं। अब कहते हैं यत्तावद उच्यते कितकर्णं ज्ञापकम् आकारस्य गुणो न भवति, ऐसे कहा था ना गोदा में। कहते हैं उत्तरार्थ में तत् स्यात् तुंद सुख्यो परिम्रजाप्नु, दो सूत्र है ना, विशेष प्रतिपादनाय सकल ज्ञापक आक्षेप, यत्तावद नैतानी संति ज्ञापकानि, सकल ज्ञापक का आक्षेप कर रहे हैं छत्री न्याय से। नैतानी संति छत्री न्याय, छत्री न्याय जानते हो, छत्री वाला माने दो ही तो ज्ञापक हैं, तीसरा थोड़ी ज्ञापक है, तीन थे ना ये पीछे, इनमें पहला और तीसरा तो ज्ञापक है, बीच वाला ज्ञापक नहीं है। संध्यक्षर निवृत्ति अर्थे नापि नार्थ उपदेश सामर्थ्या संध्यक्षर से गुणों न भोषित, और इधर कह रहे नैतानी संति ज्ञापकानी, ठीक है, छत्री न्याय से ज्ञापकानी कह दिया है, ननु नैतानी संति ज्ञापकानी प्रतिज्ञा अग्रे ज्ञापक समर्थम अनयुक्तम इत्यतः विशेष प्रतिपादन टका कि तुम ज्ञापकम यम विधि प्रति इत्यादि विशेष प्रतिपादनाय, कुछ विशेष बोध कराने के लिए, विशेष अर्थ का बोध कराने के लिए सकल ज्ञापक आक्षेप है, ये सारे ज्ञापकों का आक्षेप कर रहे हैं कुछ विशेष अर्थ का बोध कराने के लिए। एक नंबर टिप्पणी में दिया है ना, उक्तान प्रत्याख्यानोपायन दूषयितुं प्रति जानीते, ये कहे हुए प्रत्याख्यान उपाय है ना, उनको दूषित करने के लिए प्रति जानीते अपनी बात रख रहे हैं नैतानी संति ज्ञापकानी। आद्यंतयो साफल्येन अन्यत्वात् मध्यमस्य अति प्रसक्तत्वाच्च इति भाव, आद्यंतयो साफल्येन अन्यत्वात् मध्यमस्य अति प्रसक्तत्वाच्च, क्षत्री न्याय तो यही होता है, क्षत्रिणो यान्ति, क्षत्री जा रहे हैं तो छत्री संबद्ध लक्षणा से व्यक्तियों को लिया जाता है, हाँ वही है जो मैंने बताया वही है। ननु सूत्र निबंधन ज्ञापक व्यवहारस्य उपदेश सामर्थ्य अभावेन ज्ञापक 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 अज्ञापक समुदाय ज्ञापक शब्द से प्रवृत्ता कथम भोजन, वही बात है कि ये तीन थे ना, तो इसमें दो तो ज्ञापक है और एक ज्ञापक नहीं है, है? तो छत्री न्याय में जो है कुछ लोग तो छत्रधारी थे, उनमें कुछ बिना छत्र वाले भी थे, छत्रिणो यान्ति कहने से बिना छत्री छत्रधारियों को भी उनके साचरी से ग्रहण कर लिया, छत्रिणो यान्ति। बहुवचन कैसे हो गया, ज्ञापक अज्ञापक समुदाय में नैतानी संति ज्ञापकानी ऐसा कैसे कर दिया, नैतानी संति ज्ञापकानी ये कैसे कर दिया, एक सार्थ वाहित्वेन क्षत्रिय अक्षत्रिय समुदाय क्षत्रिय यान्ति प्रयोगवत बहुवचनम, ठीक हो गया कि एक सार्थ एक साथ जा रहे थे ना, सार्थ से साथ बन गया दिखता है, एक सार्थ वाहित्वेन
सार्थ का अर्थ होता है एक प्रयोजन से साथ चलते हैं ना जो, तो उनको एक सार्थ वाहित्व, एक सार्थ वाहित्व से जा रहे थे, छत्री भी थे कुछ, छत्री थे, छत्रिण यंती देख करके वो कौन जा रहे हैं, छत्रिण यंती छत्रधारी जा रहे हैं, बाहुल्याभिप्राय से ऐसा प्रयोग हो जाता है, बाहुल्येन व्यपदेशा भवंती प्राधान्येन व्यपदेशा भवंती, ऐसा न्याय चलता है, मल्लोग्राम न्याय की तरह, मल्लग्राम वत, मल्लग्राम न्याय भी वैसा ही, क्षत्रिय न्याय, मल्लग्राम न्याय, बाहुल्येन व्यपदेशा भवंती। तो कह रहे हैं कि उत्तरार्थ में तत्स्यात्, ये तो आगे के लिए हो सकता है गुरुजी। छत्री न्याय में इसमें बहुत लोग छाता लिए होते हैं एक वे, और कुछ लोग नहीं लिए होते तो उनको छत्री न्याय कहते हैं, और जो बहुत ज्यादा लोग हों और एक छत्री लिया उसको क्या कहेंगे, छत्री न्याय वहाँ प्रयोग नहीं होगा। उन इन्होंने जो मीमांसक जी ने ये बात कही कि वहाँ भी प्रयोग होता है, एक किस भी होता है? हाँ, ये किस आधार पर मतलब प्रयोग होता है? वहाँ भी होता है तो फिर कह दिया होगा छत्रिणो यान्ति, उसको पहचान बना करके कह रहे होंगे, दूर से जा रहे हैं ना, तो एक को पकड़ करके और सब को ही कह दिया। मल्लग्राम से अलग कर दिया फिर, अब हेमजी वाली समस्या को हटा दिया कि एक के लिए दो न्याय क्यों बना रहे हैं, तो जब एक छत्रधारी है और बहुत सारे अछत्रधारी हैं तो उनको भी छत्रिणो यान्ति कह देते हैं, विमान से जी ऐसा कह रहे हैं। ये तरी गापोष्टगिति अनन्यार्थम ककारम अनुबंधम करोति, एक और उदाहरण दे रहे हैं, साम गा सोम पा इत्यादि, गापोष्टक में जो टक किया है ना, साम गाय थी साम गा, साम उपद रहते गा धातु से टक प्रत्यय किया, यहां इन्होंने कहा था उत्तरार्थ में एतत् स्यात्, ये जो कै अनुबंध है ये उत्तरार्थ है, अर्थात तुंद सो क्यों परिमृज अपनु दो, परिमृज में वृद्धि का निषेध करने के लिए। आगे देखिए प्रदीप ये कह रहा है कि टका कित्वेन ज्ञापकेन आकार निवृत्ति अर्थत्व निराकृते, तक का जो कित्तु था ना, तका कित्व ज्ञापकेन आकार निवृत्ति अर्थत्व निराकृते, ज्ञापकत्व ज्ञापकेन आकार की निवृत्ति कर दी, आकार गुण की निवृत्ति कर दी, ज्ञापकेन आकार निवृत्ति अर्थत्व निराकृते, टका कित्वेन ज्ञापकेन अकार निवृत्त्यर्थत्वे निराकृते, अकार निवृत्त्यर्थत्व, अकार ज्ञापक को बताया था ना, अकार निवृत्ति के लिए ज्ञापक बताया था, ये न आकारस्य गुणो भवति, पहले तो कह को दिया था, कह उत्तरार्थ बता दिया तो टक दे दिया, तो टक के कित्व के द्वारा ज्ञापकेन आकार निवृत्त्यर्थत्व, आकार से गुणों ने बहुत ही है ना, आकार निवृत्ति अर्थ आप अदच्छेद करेंगे, ज्ञापकेन आकार ज्ञापक से आकार निवृत्ति अर्थत्व निराकृत होने पर यद्यपि उच्यते, आगे जो है ना आकार, ये जो टक का कित है ना, तो जो ज्ञापक के द्वारा आकार निवृत्ति अर्थत्व था तक के कित के द्वारा, ये एक ज्ञापक बन गया, और जो आकार निवृत्ति अर्थत्व जो प्रयोजन दिया था ना एक ग्रहण का, उसका निराकरण कर दिया टक के कित से, तक के कित से जो एक ग्रहण का प्रयोजन दिया था आकार निवृत्ति अर्थत्व, इसका निराकरण कर दिया,
ठीक है। यद्यपि उच्चते आगे कह रहे हैं, ज्ञाप का आक्षेप यद्यपि उच्यते ज्ञापक आक्षेप ग्रंथ छाया न पुष्णाति, ग्रंथ छाया को पुष्ट नहीं करता। तस्माद अर्थेन क्रमेण सर्व ज्ञापक भंगोपन्यासम कृत्वा यथासंभव ज्ञापक समर्थनम कर्तव्यम केचित आहु। कुछ लोग ऐसा कहते हैं, शंकते केचित आहु यद्यपि उच्यते इति समुच्चयार्थ अपि शब्देन, और जो ये कहा जाता है समुच्चयार्थ जो अपिशब्द है ज्ञापक आक्षेप उपदेश सामर्थ्यात् संध्यक्षर गुणोन भवति, यदि यद संध्यक्षरस्य प्राप्नोति तद उपदेश सामर्थ्यात् न भवति। यद्यपि उच्यते आगे भी यद्यपि उच्यते कह रहे हैं 177 पृष्ठ पर, एक आगे ही कह रहे हैं तुरंत जस्ट आफ्टर, यद्यपि उच्यते आ रहा है ना, यद्यपि उच्यते इति ज्ञापक आक्षेप ग्रंथच्छायां न पुष्णाति, ज्ञापकत्व निरासोत्तरम ज्ञापकांतर निरासस चेत तत् समुच्चय को अपि शब्दो घटेत न च प्रकृति अस्ति से मध्य टका कित्वस ज्ञापक उपन्यासात, किंच ज्ञापक स्थापनोत्तरम ज्ञापकांतर स्थापनम एव युक्तम न तु तत्खंडनम क्रम दोषात तथा च सामान्य प्रतिज्ञानुसारेण अपनुदो इत्यग्रे यद्यपि उच्यते इत्यादि न प्राप्नुवन्ति इत्यम इति अन्तम यद्यपि उच्यते जने इत्यादि ओकार प्राप्नोति इति अन्तम च ग्रंथम समाप्यते तो यत्तर्हि इत्यादि करोति इति अन्तम नयस इत्यादि निमित्तम एव इत्यन्तम च ग्रंथम लिखित्वा तस्मात् ग्रहणं कर्तव्यमिति उचितम इति भावः परिहरति। तस्मात् अर्थेन क्रमेण सर्व ज्ञापक उपन्यासम कृत्वा, अर्थ क्रम से सर्व ज्ञापक भंगोपन्यासम सब ज्ञापकों का भंग रख करके यथासंभव ज्ञापक समर्थनम कर्तव्यम। तो गापोष्टक इति अनन्यार्थम ककारम अनुबंधम करोति, सामग जो है अनन्यार्थ का कारण बंद करते हैं, सामग सोमपा ये ज्ञापक दे दिया। यदि पूछते उपदेश सामर्थ्यात, और जो ये कह रहे हैं उपदेश सामर्थ्य संध्याक्षर को गुण नहीं होगा, यदि जो जो संध्याक्षर को प्राप्त होता है उपदेश सामर्थ्य से बाधित होता है तो आयादि भी नहीं होने चाहिए। ऐकार उच्चारण से अविकृत रूप श्रवणार्थत्वात, ऐसा हो सकता है कि ग्लई जो है, ग्लई है ना, तो जो ऐ उच्चारण किया है अविकृत रूप उच्चारण के लिए हो सकता है, ये ऐसा कैसा ही सुनाई पड़े। उपदेश सामर्थ्य से जो जो प्राप्त होता है वो बाधित होता है तो आयादि भी नहीं प्राप्त होंगे, चो यवायाव सूत्र भी नहीं लगना चाहिए। अविकृत मानी जैसा है वैसा, जैसा ही सुनाई पड़ रहा है अविकृत रूप श्रवण के लिए मानना चाहिए एकार को। एकार की जो बात कही थी कि उपदेश अवस्था में ही एकार कर देते यदि गुण करना होता तो अविकृत क्या देख? रूप श्रवण के लिए मानी जैसा है वैसा, अविकृत रूप श्रवण के लिए हो सकता है ग्ले, एकार उच्चारण तो ग्ले भी ग्ले होता तो फिर हम कहते कि ग्ले वो तो सही है, बस उसी को कह रहे हैं कि ग्ले करो ग्लई करो, अविकृत रूप उच्चारण के लिए हो सकता है। तो वो आक्षेप ये कर रहे हैं कि फिर तो वो भी नहीं करना चाहिए, वो तो करते हो आप, आए तो करते हो आप, इसको तो मान लिया कि ए नहीं होता उच्चारण सामर्थ्य से, आई को ए गुण नहीं होता उच्चारण सामर्थ्य से, तो आपसे मैं ये कहता हूँ कि आए भी मत करो फिर। आई को जैसे आप ए नहीं कर रहे उच्चारण सामर्थ्य से, तो मेरा आक्षेप यह है कि आई को आय भी मत करो, है? आई को आय कैसे करते जा रहे हो आप, आई को आय कैसे कर देते हो। संध्याक्षर को जो जो भी ऐसे ले रहे हैं, संध्याक्षर को जो जो भी उच्चारण सामर्थ्य नहीं होता तो आय भी नहीं करना चाहिए।
तो वो कह रहे नैष दोष यम विधि, एक न्याय है ये तो, यम विधि प्रति उपदेशो अनर्थ का स विधिर बाध्यते यस्य तु विधिर निमित्तम एव नासो बाध्यते। ये शास्त्रीय न्याय है, शास्त्र में इसका उपयोग होता है। यम विधि प्रति उपदेशो अनर्थ का, जिस विधि के प्रति उपदेश अनर्थक है वो तो बाध ली जाती है, जिस विधि का निमित्त ही हो वो तो नहीं बाधी जाती। गुणम से प्रति उपदेशो अनर्थ का आयदेश से तो निमित्तम एव। देखिए आई है ना, गुण करने के लिए तो ये अनिमित्त है ना, गुण करने के लिए तो आई उच्चारण किया, ये भी उच्चारण कर सकते थे। आई जैसे उच्चारण किया सीधा ये भी कह सकते थे, पर आयादेश का तो निमित्त ही है ये, तो उसको नहीं बाधेगा। यम विधि प्रति उपदेशो अनर्थ का, जिस कार्य के प्रति उपदेश अनर्थक होता है वो तो बाध लिया जाता है। यस्य तो विधेर निमित्तमेव, लेकिन जिस विधि का वो निमित्त ही हो वो नहीं बाधा जाता। आयादेश का तो आई निमित्त ही है, आयादेश होता किसको, आई को ही होता है, तो आयादेश का तो आई निमित्त ही है, उसको नहीं बाधेगा। जिस विधि के प्रति उपदेश अनर्थ है, गुण के प्रति उपदेश अनर्थक है, आई उपदेश अनर्थक है गुण के प्रति, कि पहले आई पढ़ो फिर उसको गुण करो, सीधा ही ना ए पढ़ दो, सीधा ही ए पढ़ दो, यूं कहो सीधा ही आय पढ़ दो, सीधा आय पढ़ने में तो दिक्कत है, कई जगह आय नहीं चाहते हैं। जब सीधा ही यदि आय चाहते हो, ऐसे व्यापक योजना में देखेंगे ना, तो सीधा आय नहीं चाहते हैं, कई जगह जगलव आदि में आई को आ ही चाहते हैं, आई पढ़ दिया, कई जगह आ चाहते हैं तो आदि उपदेशित आ हो जाएगा, जगलव या जगले आदि रूप बनेगा, और कहीं आई को आय चाहते हैं तो आय हो जाएगा, शित के पर रहते ऐसी व्यवस्था कर ली। यदि वे आय वाला भी रूप ना करके गला करते तो फिर कुछ और करना पड़ता, और व्यवस्था करनी पड़ती कि शित प्रत्यय में युक आगम हो जाता है, फिर एक अलग सूत्र बनाना पड़ता है। मूल धातु पाठ में ही ग्ला पढ़ते ना, तो ग्लायति रूप बनाने के लिए युग आगम करना पड़ता है, फिर शित के पर रहते। तो इस तरह से उन्होंने जो ग्लायति तक पहुंचाने के लिए ग्लई मूल शब्द ले लिया, और जगलव आदि बनाने के लिए आई को आ कर दिया। तो जिस विधि के प्रति उपदेश अनर्थक है, मानी ग्लई और ग्ले ये तो अनर्थक है ना, ए के प्रति आई अनर्थक है ना, इसका तो निमित्त ही है, आई को आए तो निमित्त ही है, ये बात कह दी। ये इको जल में जो जल ग्रहण का ज्ञापक है कि दीर्घ नहीं होता जनगम शनि, या मतलब गुण नहीं होता, तो उसमें एक शंका ये भी उठेगी, रीति धातु नहीं होगा तो बोले वो तो फिर री के दीर्घ री के बाद ही होता है, तो इसमें ये दिया था कि वो दीर्घ जब अजनगम शनि करेंगे वो गुण को तो बाधेगा लेकिन रीति धातु को नहीं बाधेगा, क्योंकि वो तो उसके उसका निमित्त ही है। यद्यपि उचित उपदेश सामर्थ्यात इसका खंडन कर दिया ना, नैष दोष यत्र हि, ये समाधाता ने नैतानि संति ज्ञापकानि जो बात चलाई ना, यत्तावद् उच्यते भवता कित करणम ज्ञापकम आकर्ष गुण न भवति उत्तरार्थम एतत् स्यात्, यत्र हि गापोष्टक अनन्यार्थम का कारम अनुबंधम करोति। ये यहाँ पर जाकर के उन्होंने ज्ञापक को स्थापित कर दिया, जो पहले में दूसरा ज्ञापक दे दिया, हाँ उसके लिए गापोष्टक से ज्ञापक दे दिया, हाँ और यहाँ ठीक है। और यद्यपि उच्यते उपदेश सामर्थ्या संधक्षर्ष गुणो न भवति, हाँ तो इन्होंने आयादि पर दोष लगाया था उसका भी दे दिया, अर्थात यहाँ भी ज्ञापक तो है कि संधक्षर उपदेश सामर्थ्य, ये वास्तव में यद्यपि उच्यते तो तब होता है जब पहली बात सिद्ध हो जाए उसकी, तब कहते हैं यद्यपि उच्यते।
पहली तो बात सिद्ध ही नहीं हुई, फिर यद्यपि उच्चते कैसे कर दिया? ये तो ऐसे कह रहे ना कि आपने जो जतावद उच्चते भवता, जो आपने ये कहा था कित करणम ज्ञापकम आकारस्य गुणो न भवति उत्तरार्थम एतत् स्यात्, ऐसे कहा आपने जो ये कहा था यत्तावद उच्यते उत्तरार्थम एतत् स्यात्, ये उत्तरार्थ हो सकता है कित करणम ज्ञापकम आकारस्य गुणो न भवति, ये तो उत्तरार्थ हो सकता है उसी व्यक्ति ने कहा जो कह रहा है नेतानि संति ज्ञापकानि परिमृजापनुदो के लिए है, ये दूसरा व्यक्ति जिसने ज्ञापक रखा था ना वही कह रहा है तरी गापोष्टक अनन्यार्थम का कारम अनुबंधम करोती। फिर बोले यद्यपि उच्यते, यद्यपि उच्यते ये कैसे आएगा? एक एक साथ तो तीनों को खंडन कर दिया था, अब एक एक करके दे रहे हैं आप, ये समाधाता की बात है। यद्यपि उच्यते नेतानि संति ज्ञापकानि यत्तावद् उच्यते कित करणम ज्ञापकम आकारस्य गुणो न भवति उत्तरार्थम एतत् स्यात् तुंसोके परिमृजापनो तो यत्तरहि गापोष्टक अनन्यार्थम ककारम अनुबंधम करोति। ये ज्ञापक ज्ञापक जो ज्ञापक स्थापित कर दिया दूसरे व्यक्ति ने, ज्ञापक वादी ने। हाँ जी, समाधाता एक ग्रहण का प्रयोजन बता रहा है। एक ग्रहण का जो प्रयोजन बता रहा था उन्होंने कहा था कि तुंदशोकयो परिमृजापनो दो के लिए हो जाएगा, वही है जो प्रयोजन बता रहा है जी। एक ग्रहण एक ग्रहणम आद संदक्षर व्यंजना नाम महाभूत। हाँ जी, ये तो आपका जो ज्ञापक के लिए नहीं है बल्कि ककार अनुबंध तो अगले वाले सूत्र के लिए। जी जी, तो खंडन करने वाला गापोष्टक के अनन्यार्थ ककार अनुबंध को दे रहा है। दे रहा है जी, दे दिया जी। फिर यद्यपि उच्यते समाधाता, जब उसकी बात पूरी हुई नहीं ये बीच में ना आती तब यद्यपि उच्यते सही बैठता। मैं ये कह रहा हूँ कि नैतानि संति ज्ञापकानि कह दिया, फिर यत्तर गापोष्टक अनन्यार्थम ककारम अनुबंधम करोति, अच्छा तो ककार अनुबंध जो कर रहे हैं ना ज्ञाप का अंतर दे दिया। यत तावद उच्यते में जो प्रश्न किया उन्होंने तो फिर उनको बदलना पड़ा ज्ञापक, और यद्यपि उच्यते में जो फिर कहा तो यद्यपि उच्यते और जो ये कहा गया उसमें फिर बदलना नहीं पड़ा, वो सामर्थ्य ही रखा उन्होंने। ये बीच में जो केची दाहू वाली जो बात थी ना उससे जोड़ रहा हूँ मैं, ये जो आप लोग पूछ रहे थे ना प्रदीप केची दाहू तका कि त्वेन ज्ञापके आकार निवृत्ति अर्थत्व निराकृते यद्यपि उच्यते जी ज्ञापक आक्षेप ग्रंथ छायाम न पुष्णाति। मानी नैतानि संति ज्ञापकानि यत्तावद् उच्यते बात चलाकर, और उसकी बात जब पूरी हुई नहीं ये बीच वाली बात ना होती ना यत्तर ही गापोष्टक अनन्यार्थम ककारम अनुबंधम करोती ना होती तब ये यद्यपि उच्यते उसकी बात आगे बढ़ती। और जो ये भी कहा आपने अपिशब्द समुच्चय के लिए होता है ना, खंडन कहाँ कर दिया, उसकी बात तो चली नहीं स्थापित हुई नहीं। हाँ, बात बीच वाली नहीं होती तब ये यद्यपि उच्यते सार्थक होता। और जो आपने ये कहा ये भी समझो, एक तो ये जो बात कह दी यत्तावद् उच्यते यद्यपि उच्यते बीच में इसको केचित आहु प्रदीप ने जो दिखाया ना यद्यपि उच्यते इति ज्ञापक आक्षेप ग्रंथ छायाम न पुष्णाति, पहले तो था यत्तावद् उच्यते ज्ञापक पर आक्षेप किया ना, और यद्यपि उच्यते ये भी फिर उसी शैली में उसी ज्ञापक को ही तो आक्षेप जाएगा, ग्रंथ छायाम न पुष्णाति केचि दाहु जो कहा था ना, यद्यपि उच्यते जो है ये ज्ञापक आक्षेप नहीं है क्योंकि यहां तो ज्ञापक है ही नहीं। तस्माद अर्थेन क्रमेण सर्व ज्ञापक भंगोपन्यासम कृत्वा, इसलिए अर्थ क्रम से मानी सामर्थ्य प्राप्त सब ज्ञापों का भंगोपन्यास जैसा भंगोपन्यासम कृत्वा यथासंभव ज्ञापक समर्थनम कर्तव्यम, यथासंभव ज्ञापक सम सर अर्थ क्रम से माने सामर्थ्य प्राप्तेन अर्थ क्रमेण सर्व ज्ञापक भंगोपन्यासम कृत्वा
भंग उपन्यास का मतलब भंग सदृश उपन्यास करके यथासंभव ज्ञापक समर्थनम कर्तव्यम। यथासंभव ऐसा कुछ लोग कहते हैं, यथासंभव ज्ञापक समर्थन करना चाहिए। अर्थ क्रम से सामर्थ्य प्राप्तेन सर्व ज्ञापक भंगोपन्यास सदृशम कृत्वा यथासंभवम ज्ञापक समर्थनम कर्तव्यम। ज्ञापकों का समर्थन करना चाहिए ऐसा कुछ लोग कहते हैं। यद्यपि उच्चते में समुच्चय के लिए अपि शब्द होता है, तो ज्ञापक ये जो कहा ये एक बात हो गई, और यद्यपि उच्चते और जो ये कहा ज्ञापक का ही आक्षेप होगा, नैतानि संति ज्ञापकानि जो बहुवचन में बोले हैं ना, तो एक पहला आक्षेप किया यथावद उच्यते कित करणम ज्ञापकम आकार से गुणो न भवति, ये जो आपने कहा उत्तरार्थम एतस्यात्। समुच्चय वाली जो बात है गुरु जी, हाँ। ये क्या है जी, जब यदि ऊपर वाली बात पहले वाले ज्ञापक का खंडन हो जाता तब वो बोलता यद्यपि उच्यते, ऐसा होना चाहिए था, मतलब बीच में ये पंक्ति ना रहती गा पोष्टक वाली, थोड़ी देर के लिए हटा दे तब भाष्य सही बैठ रहा है शैली में, ऐसा कहना चाह रहे ऐसा कहना चाह रहे यत्तावद उच्यते यद्यपि उच्यते, ये जो आपने कहा उसका और ये भी जो कहा उसका भी लो, हाँ यत्तावद उच्यते यद्यपि उच्यते की बजाय यत् से उच्यते ऐसा कुछ अपिकार च ले लेंगे तब तो बन सकता है। यत् से उच्यते और जो ये कहा उपदेश सामर्थ्या संध्यक्ष उसमें भी फिर वो समुच्चय ही जा रहा है, यत् से उच्यते चय बोलने में भी समुच्चय ही जा रहा है, माने यत्तावद उच्यते के साथ समुचित हो रहा है ये कथन। उपदेश सामर्थ्य से संध्याक्षर को गुण नहीं होगा, भाषा में यूं नहीं ले सकते, एक का तो ठीक आपने कर दिया यद्यपि उच्यते और जो ये वाला ज्ञापक दे रहे हैं इसके बारे में आप क्या कहेंगे, ये मैं जो एक तर्क ज्ञापक ही नहीं है, कौन सा ये वाला जो उपदेश सामर्थ्यात जो का पहले वाले में ज्ञापक नहीं माना या आगे खंडन कर रहे हैं इस कारण से ज्ञापक नहीं माना जी इसको, पहले वाले का तो नहीं, जो दूसरा ये जो संध्याक्षर वाली बात है इसमें पहले जो ज्ञापक नहीं है ना, पहले जो हेतु दिया उसी को ज्ञापक ही नहीं मान रहे, उपदेश सामर्थ्य एक अलग चीज है ज्ञापक नहीं कह रहे इसको जी। संध्याक्षर को संध्याक्षर निवृत्ति अर्थ है ना पिन्नार्थ उपदेश सामर्थ्यात संध्याक्षर से उसको एक सामर्थ्य के रूप में प्रयुक्त कर रहे हैं, उपदेश सामर्थ्यात संध्याक्षर गुणों न भविष्यति है, फिर ये कह रहे हैं यदि यदि ये ज्ञापक होता तब तब भी क्या ये पंक्ति ठीक होती या नहीं होती, यदि ज्ञापक होता और बीच में यद्यपि उच्यते हाँ मतलब ऐसे करें तो फिर यहाँ तक बस रख देते परिमृजापन दो तक, फिर दूसरा यद्यपि उच्यते यहाँ तक आया दयोन्तर ही न प्राप्नुवन्ति यहाँ फिर उसका और तीनों का फिर परिहार एक साथ सिर्फ उस ज्ञापक पर आक्षेप आक्षेप यत्तावद उच्यते इस ज्ञापक का खंडन किया फिर ज्ञापक का मंडन कर दिया ना जी, यद्यरी गापोष्ट की जो अनन्यार्थम ये जो ये ज्ञापक है हैं? पहला ज्ञापक तो नहीं पर ये ज्ञापक है, यहाँ आकार लोप में ही तात्पर्य है और कुछ नहीं प्रयोजन, अनन्यार्थ का अर्थ है यहाँ पर आकार लोप के लिए ही, अनन्यार्थम माने आकार लोप है, आकार लोप करने के लिए ही यहाँ पर किया है। यद्यपि उच्यते उपदेश सामर्थ्यात चलो ये हो गया आगे देखते हैं, यद्यपि उच्यते वहां फिर यद्यपि उच्यते आ गया, और जो ये कहा जनेर डवचनम ज्ञापकम ज्ञापकों का आक्षेप हो रहा है यद्यपि उच्यते ऐसा जो कहते हैं ना
पहले जहां से शुरुआत की नैतानी संति ज्ञापकानी यत्तावद उच्यते, पहला जो ज्ञापक दिया, दूसरा जो ज्ञापक दिया, तीसरा जो ज्ञापक दिया, ऐसे बात चल रही है। यदि उच्यते उपदेश सामर्थ्यात संध्यक्षर से गुण अनुभूति, ये एक प्रकार से ज्ञापक नहीं है, फिर भी उसको जोड़ दिया ज्ञापक के साथ ही, ज्ञापक के रूप में ही। यद्यपि उच्यते जने डैवचन ज्ञापकम नवेंजन गुणो भवति सिद्धि विधि आरभ्य मानो ज्ञापकार्थो भवति सति प्रयोजने न ज्ञापकम। अब ये एक पंक्ति, सिद्धे विधि आरभ्य माना, कोई कार्य सिद्ध हो और प्रयोजन ही ना हो फिर उसका, सिद्धे विधि आरभ्य माना, सिद्धे सति विधि आरभ्य माना, ऐसा अन्वय होगा। सिद्धे सति, सिद्ध होने पर आरभ्यमाण जो विधि है वो ज्ञापक के लिए होता है। नचत जनेर गुणेन सिद्ध्यति कुतो ही एतत् जनेर गुण उच्चमान आकारो भवति न पुनर एकार वा स्यात् ओकारो वा। जन को जब आप गुण करोगे तो न के स्थान में अकार ही कैसे कर दिया, एकार ओकार क्यों नहीं किया? तो उत्तर देते हैं, आंतरिय तो अर्धमात्रिक व्यंजन से मातृ को अकारो भविष्यति। अच्छा, एवं अपि अनुनासिका प्राप्त होती, फिर भी न के स्थान में अ करोगे ना तो ऐसा पाएगा, देखिए न की जगह अनुनासिक पाएगा। कहते पर रूपेण शुद्धो भविष्यति, रूप ग्रहण का यही प्रयोजन है, जैसा पर वाला वैसा ही हो जाए, पर रूप से शुद्ध हो जाएगा। एवं तरी गमेर अपि अयम दो वक्तव्य, गमेश से गुण उच्चमानो आंतरियता उकारो प्राप्त होती। अच्छा, यहाँ तो आपने समाधान कर दिया, गम धातु से भी डे का है ना, गम धातु से वहां पर तीसरे अध्याय के दूसरे पाद में डे प्रत्यय कहा है, गमेर डे, तो यहाँ डे यदि हम तो गुण करेंगे तो मैं के स्थान में स्थानकृत आंतरिक बलवान होता है और मैं की जगह ओ पाएगा ओ। सप्तम्याम जनेर्ड इत्यतो अन्येषु विदृश्यते इत्यत्र अनुवर्तमानो गमेरपि विधीयते इति अज्ञापकम डित्तम, ज्ञापक नहीं बनाए डित्त, व्यंजन निवृत्त्यर्थम सूत्रम स्थितम, व्यंजन निवृत्ति के लिए सूत्र स्थित हो गया। प्रदीप ने बीच में जो एक मध्य में आया था जो एक नंबर टिप्पणी थी उसमें आद्यंतयो हो साफल्य न अनन्यत्वात् मध्यमस्य अतिप्रसक्तवात् से, तो मध्य वाले को ही ज्ञापक मना कर रहे थे। आद्यन्तय साफल्येन अन्यत्वात्, मतलब जो पहले बात बोल रहे थे उसमें बीच वाले को ही ज्ञापक नहीं रख रहे थे ना, मध्यमस्य अतिप्रसक्तत्वात् आद्यन्तय साफल्येन अन्यत्वात् मध्यमस्य अतिप्रसक्तत्व। तो कुल मिलाकर के ना द्वित्व जो है अज्ञापकम डित्वम इति व्यंजन निवृत्त्यर्थम सूत्रम स्थितम, व्यंजन निवृत्ति के लिए सूत्र स्थित हो गया। एक ग्रहणम किमर्थम व्यंजन निवृत्त्यर्थम, वैसे सामान्य रूप से आद संध्यक्षर व्यंजनानाम आभूत, सामान्य रूप से तो वो है, और यदि और बहुत ही सूक्ष्म अन्वेषण करें तो व्यंजन निवृत्ति के लिए भाष्यकार ने स्क्रूटनी के द्वारा व्यंजन निवृत्ति एक बात रखी, दो को हटा दिया। सामान्य रूप से वार्तिककार ने आद संध्यक्षर व्यंजन, आद संध्यक्षर और व्यंजन इन तीनों के लिए बोला था, और स्क्रूटनी के बाद जो है व्यंजन निवृत्ति पर आ गए। जो ज्ञापक दिए थे उसमें से ज्ञापक दिए थे ना, उन ज्ञापकों में नैतानी संति ज्ञापकानी यदि ये रह जाते, ये बात उनकी रह जाती नैतानी संति ज्ञापकानी, तब तो आद संध्यक्षर व्यंजनानाम तीनों रह जाते। पर नैतानी संति ज्ञापकानी में एक बात इसको निरस्त कर दिया, पहली बात को जो कितकरण की बात कही थी ना, ज्ञापक है आकार को गुण नहीं होता, उसको निरस्त कर दिया।
और दूसरी बात थी कि उपदेश सामर्थ्यात् व्यंजनस्य उपदेश सामर्थ्यात् संध्यक्षरस गुणों ने भविष्यति, इसको भी निरस्त कर दिया ना, कि यम विधिम प्रति उपदेशो अनर्थ का स विधिर बाध्यते यस्य तु विधेर निमित्तम एव नाशो बाध्यते गुणम से प्रति उपदेशो अनर्थ का आयदि नाम पुनर्निमित्तम एव। तो इसलिए जो है आचार्य आई की जगह ए नहीं पढ़ सकते थे, ऐसे दिखा दिया। उपदेश सामर्थ्य से जो जो संध्यक्षर को प्राप्त होता है उपदेश सामर्थ्य से बाधित होता है, तो आयादि भी ऐसे उन्होंने कहा उपदेश सामर्थ्य संध्यक्षर गुणों नभुति। समाधाता ने ये कहा था जो जो संध्यक्षर को प्राप्त होता है उपदेश सामर्थ्य से यदि बाधित होता है तो आयादि भी नहीं होंगे। तो बोले नहीं, जो जिज्ञासु है उसने क्या कहा, शंका करने वाले ने एक ग्रहण किमर्थम, ये जिज्ञासु है पूर्व पक्षी है, एक ग्रहणम आत्संध्यक्षर व्यंजनानाम निवृत्त्यर्थम, ये समझ आता है। तो एक ग्रहण जो आक्षेप करने वाला है उसने ये कहा कि ये संध्यक्षर निवृत्ति के लिए तो कोई आवश्यकता नहीं है, संध्यक्षर निवृत्ति के लिए कोई आवश्यकता नहीं है, यही बात रही ना जी, संध्यक्षर निवृत्ति के लिए एक ग्रहण की आवश्यकता नहीं है। कैसे कहेंगे संध्यक्षर निवृत्ति के लिए ग्रहण की आवश्यकता नहीं है, वाक्य पूर्ति करो जरा नारायण जी, वाक्य पूर्ति करो, संध्यक्षर निवृत्ति के लिए एक ग्रहण की आवश्यकता नहीं है। चर्य की प्रवृत्ति की जो ग्ले ही पड़ा है वो ग्ले ही पढ़ लेते हैं, ऐसे एक कारांति पढ़ लेते, आई की जगह ए पढ़ कार पढ़ लेते, ठीक है। अब तीसरी बात, तीन बात थी ना, आत्मनिवृत्ति के लिए एक ग्रहण की आवश्यकता नहीं है, क्यों नहीं आवश्यकता, आनिवृत्ति के लिए ग्रहण की आवश्यकता क्यों नहीं है। आचार्य ने जो गापोष्टक में टक किया है ना उससे पता लगता है कि आकार को गुण नहीं होता, यदि आकार को गुण हो जाता तो टक को कित करना व्यर्थ हो जाता है। और इसी तरह से ऐज को निवृत्त करने के लिए एक ग्रहण की आवश्यकता नहीं है, यदि ऐज को गुण हो जाता तो ए ही पढ़ देते, नहीं नहीं वो कोई दोष नहीं, आय होना कोई दोष नहीं है। वो यूं कह रहे थे कि उपदेश सामर्थ्य से जो जो भी करोगे बाधित होगा तो आय भी बाधित करना पड़ेगा। बोले नहीं, जिस विधि के प्रति उपदेश अनर्थक है वही बाधित होती है, जिसका निमित्त हो बाधित नहीं होती, तो वो कोई दोष नहीं है, ये आय भी नहीं हो पाएगा। फिर तो संध्यक्षर के स्थान में गुण नहीं होता उपदेश सामर्थ्य से, ये बात कही, उपदेश सामर्थ्य से संध्यक्षर को गुण नहीं होता ये बात कही। अर्थात जो आई है इसका उपदेश जो किया है इससे पता लगता है कि ए नहीं होता, इसको आई को ए नहीं होता, आई को यदि ए हो जाता तो आई उपदेश करना व्यर्थ हो जाएगा। तो ये दूसरी बात होगी। तीसरी बात यह है कि व्यंजन को गुण ना हो, तो व्यंजन को गुण में जन धातु में तो उन्होंने हटा दिया था, पर गम धातु में जाकर अटक गई बात, कि गम धातु से जब डे प्रत्यय करेंगे और गुण करेंगे तो मैं के स्थान में औ पाने लगेगा, तो व्यंजन निवृत्ति के लिए एक ग्रहण सार्थक हो गया। यदि गम धातु से डे ना होता तब तो एक ग्रहण की आवश्यकता नहीं थी, ठीक है। यदि गम धातु से डे ना होता, जन धातु मात्र से ही डे होता, केवल जन धातु से ही डे होता और गम धातु से डे नहीं होता, कोई शब्द ही ऐसा ना बनता कि गम धातु से डे होता है,
तो फिर इसकी आवश्यकता नहीं, एक ग्रहण की आवश्यकता नहीं थी। एक ग्रहण की आवश्यकता इसमें जरूरत पड़ गई, गम धातु से जो डय होता है, गम धातु से डय होता है और डय का अ बचता है, डित होने से गम के अम्भाव का लोप होता है, ऐसे बनाते हैं। तो यदि गुण हो जाता ना, गुण मैं के स्थान में अवगुण होने लगता है स्थान कृतांतरी से, यदि जन की तरह ही व्यवस्था ऐसी बन जाती ना कि मैं के स्थान भी अ ही गुण होता है, तब तो एक ग्रहण की आवश्यकता नहीं थी। व्यंजन निवृत्ति के लिए एक ग्रहण है, इसीलिए प्रदीप ने आखिरी में जाकर निष्कर्ष दिया है। देखिए एम तरी गमेरप्ययम दो वक्तव्य दिया है ना, दो अनुवर्तमानो गमेर अपविदित इति अज्ञापकम दित्वम इति व्यंजन निवृत्त्यर्थम सूत्रम स्थितम। व्यंजन निवृत्ति के लिए सूत्र स्थित रह गया। आक्षेपता एक बात कह रहा है, यदि ग्रहणम क्रियते, ई ग्रहण तो कर लिया, देव पंथ से इमम एते भी का प्राप्तवंती, ठीक है बात इनकी सही है। जहां भी ये होंगे आ आई औ वृद्धि या अ ए ओ गुण, ये सब एक के स्थान में होंगे, ऐसा आक्षेप करने वाला कह रहा है। एक ग्रहण आपने कर लिया कि जहां भी आ आई औ, अभी ये बात नहीं निकल कर आई है कि गुण शब्द के द्वारा जहां गुण किया जाए, वृद्धि शब्द के द्वारा जहां वृद्धि कही जाए, वहीं पर एक के स्थान में होते हैं। अभी तो सामान्य रूप से ये बात आई उभर कर कि आ आई औ एक के स्थान में होते हैं, अ ए ओ एक के स्थान में होते हैं, और जब आ आई औ एक के स्थान में होते हैं तो फिर जैसे दिव औत है, दिव शब्द है, दिव औत है, तो ये व के स्थान में चाहिए अलोन्त से, और होने लगेगा ई के स्थान में। पथिन शब्द है, पथिमति रिभुक्षा मात, न के स्थान में चाहिए अलोन्त्यस, होने लगेगा ई के स्थान में, अच के स्थान में होने लगेगा, इक के स्थान में होने लगेगा। और तद है, तदादिनामा अकारादेश चाहिए द के स्थान में, अभीष्ट अलोन्त्यस, इक के अभाव में होगा ही नहीं, या इदम में ही हो पाएगा बस। तदादिनामा वो भी ई की जगह पहुंचेगा। देव पंथस इत्यादि इमामिति स इत्यत्र तो न स्यादेव है, येषु उदाहरणेषु इकः प्राप्नुवन्ति, इन उदाहरणों में इक के स्थान में पाएंगे। कोई कहेगी त्यदादि नामा सूत्र व्यर्थ हो जाएगा, फिर तो कहीं लगेगा ही नहीं, उसका उत्तर भी दे दिया जाएगा। त्यदादि नाम सूत्र तदोसा सावनंत्यो के लिए हो जाएगा, और संज्योपसर्जन व्यावृत्ति के लिए हो जाएगा। त्यदादि नाम जो सूत्र है वहां एक पद की उपस्थिति में केवल मात्र एक इदम शब्द रहता है, तो त्यदादि इतने सारे शब्दों का ग्रहण व्यर्थ हो जाएगा ना। त्यदादि समुदाय का ग्रहण करें और पहुंचे एक शब्द के ऊपर, कम से कम दो तीन पर तो पहुंचना चाहिए समुदाय ग्रहण करके, समुदाय का ग्रहण करें और एक शब्द पर पहुंचे, ये तो ठीक नहीं। माने त्यदादि गण में एक ही ऐसा शब्द है इदम जो इक में आता है ई, बाकी कोई शब्द ही नहीं इक में आए। एतद है त्यदादि गण में, ए ए जो है कि मक्का हो जाता है, वहां उसका अपवाद है ना, तो इसको कह रहे हैं त्यदादि नामा जो सूत्र है ये आगे वाले सूत्र के लिए हो जाएगा। तदो सहसावनंत्यो में कहा है ना, त्यदादियों का जो तैद है उसको सह होता है सु के पर रहते अनंत को, उत्तरार्थम स्यात् उद्योतन दिया त्यदादिनामा, त्यदादिनामा इति तु तदो सावनंत उत्तरार्थम स्यात् संजोप सर्जन व्यावृत्त्यर्थम से स्यात्।
तदादिनामा जो है इसलिए ग्रहण करेंगे कि संज्ञा भूत और उपसर्जन भूत की व्यावृत्ति कराना चाहता है। संज्ञोपसर्जन व्यावृत्त्यर्थम च स्यात्। संज्ञा भूत होते हैं ना और उपसर्जन भूत होते हैं, उनकी व्यावृत्ति के लिए हो जाएगा। संज्ञा रूप में नाम रख दें किसी का, जैसे किसी का नाम रख देते हैं वहां पर तदादि कार्य नहीं होता है, सर्वनाम कार्य नहीं होता है। सर्वादिनी सर्वनामानी सूत्र में एक सिद्धांत वार्तिक है, संज्ञोप सर्जनी भूतानाम प्रतिषेध वक्तव्य। ये जो सर्वादि हैं, जब किसी का संज्ञा के रूप में प्रयोग होते हैं तब इनका नाम सर्वनाम नहीं होता। जैसे यूं कहें कि सर्वदत्त को दो, सर्वाय देही ऐसा बोलते हैं। सर्वदत्त का नाम सर्व बोल करके सर्व के लिए ये चीज दे दो, सर्वाय देही, सर्वस्मय देही नहीं बोलते। और उपसर्जन भूत जैसे सर्वम अतिक्रांत इति अति सर्व कश्चित, और उसके लिए दे दीजिए अति सर्वाय देही, अति सर्व उपसर्जन भूत हो गया। आप ये कहें कि ये तदंत की कैसे हो जाती है सर्वनाम संज्ञा, वहां तो सर्व सब बड़ा, अति सर्व की कैसे पाएगी? तो वहां सर्वनाम अव्यय संज्ञा में तदंत विधि इष्ट है। एन विधि तदंत सूत्र पर वार्तिककार ने यह कह रखा है कि जो सर्वनाम संज्ञा है और अव्यय संज्ञा है इसमें तदंत विधि चाहते हैं। तो तदंत विधि जब चाहते हैं, न बहुव्रीय निषेध से भी ज्ञापित होता है कि तदंत विधि चाहते हैं। न बहुव्रीय निषेध तो तभी सार्थक होगा ना जब वो सर्वादि अंत में आएंगे किसी शब्द के साथ। तो इसलिए जो है चाहे तो ज्ञापक से चाहे वचन से तदंत विधि होती है अव्यय संज्ञा में और सर्वनाम संज्ञा में। तो जब तदंत विधि होती है तो उपसर्जन जब हो जाए तब इनकी सर्वनाम संज्ञा नहीं होती, ऐसा एक सिद्धांत वार्तिक है। संज्ञोपसर्जनी भूतानाम प्रतिषेध वक्तव्य। संज्ञा का प्रतिषेध, उपसर्जनी भूतों का प्रतिषेध, सर्वनाम संज्ञा का प्रतिषेध करो। तो संज्ञोपसर्जन व्यावृत्त्यर्थम च स्यात् कुत्र तदादिनाम इत्यत्र तदादिनाम इति तु तदोस, इसके लिए होगा और संज्ञोपसर्जन व्यावृत्ति के लिए होगा। माने आगे या यहीं तदादि कार्य संज्ञा और उपसर्जन वालों को ना हो। संज्ञा विधाने नियमा, संज्ञोपसर्जन व्यावृत्ति के लिए होगा वो तदादिनामा सूत्र में या अगले वाले सूत्र में, क्या समझे हो? अगले वाले सूत्र में, वहां केवल इदम एक शब्द को रहा। संज्ञा विधाने नियमा, संज्ञा विधीयन्ते तेषु नियमा। आक्षेपता के आक्षेप का समाधान कर रहे हैं कि ये कोई अतिव्याप्ति नहीं होगी। ये अतिव्याप्ति दिखाई ना, वह को चाहिए इको होने लगेगा, न को चाहिए इको होने लगेगा, तद में होगा ही नहीं। ये सब अतिव्याप्ति अव्याप्ति आदि दिखाई ना, तद में अव्याप्ति दिखा रहे हैं तदादिनामा की। तो न ये दोष नहीं है संज्ञा विधाने नियमा। संज्ञोपसर्जन व्यावृत्त्यर्थम जी तदादि शब्दों को कहेंगे या उत्तर में उत्तरार्थ जो शब्द है उनमें से किसी की संज्ञा करते हैं? जब संज्ञा करेंगे या उपसर्जन रूप में प्रस्तुत होंगे तो वो अगले वाले सूत्रों में तदोसा सावनंत्यो आदि सूत्र नहीं लगेंगे। तदादि शब्दों को जब संज्ञा रूप से रखेंगे तब और उपसर्जन रूप में रहेंगे तब, तो उपसर्जन रूप होंगे तब, तो ये तदादि नाम सूत्र व्यावर्तक होगा। हाँ, तदादि नाम सूत्र वही कार्य करेगा जहाँ पर संज्ञा और उपसर्जन को छुड़वाएगा। यदादि शब्द तो बेशक हों पर वो संज्ञा रूप ना हो, तो ये कहेंगे तभी तो होगा। जब तदादि रखेंगे शब्द वहाँ पर कहा है संज्ञोपसर्जनी भूतानाम प्रतिषेधो वक्तव्य किम अविशेषेण, ऐसे कुछ कहा। यानी जो
सर्वादि का नाम लेकर के, गण पूरे गण को लेकर के, त्यदादि को नाम लेकर के, और विशेष रूप से जहाँ कहते हैं वहां भी, जैसे कहीं पर विशेष रूप से कोई कार्य कह दिया, वो भी क्या विशेषण नित्य विशेषण च अंतर्गण कार्य में भी, सर्वाधि कार्य में भी और अंतर्गण कार्य में भी। संजोप सर्जनी घूतानाम प्रतिषेद वक्तव्या कि मैं अविशेषण नित्य विशेषण च, माने समस्त सर्वाधि शब्दों को कोई कार्य किया जाए या अंतर्गण को पकड़ करके कुछ कार्य किया जाए तो भी संजोप सर्णी भूतानाम प्रसिद्ध वक्तव्या। संज्ञा विधान नियमा संज्ञाएं विधियंते देशु नियमा, ये जो एकोगुण नियम है ना, परिभाषा जो होते हैं वो नियम ही करते हैं एक प्रकार से, अनियम है नियम कारिणी परिभाषा बहुत ही। संज्ञा विधान नियमा, संज्ञा के द्वारा जहाँ विधान किया जाता है वहां ये नियम करेगा। क्या नियम? कि संज्ञा ये है गुण शब्द के द्वारा जो गुण का विधान, वृद्धि शब्द के द्वारा जहाँ वृद्धि का विधान, यहाँ दिवौत में सीधा डायरेक्ट अहू का विधान है, ना कि वृद्धि कहकर के अहू का विधान नहीं है। त्यदादि नामा में भी अ का डायरेक्ट विधान है, ऐसा नहीं कि गुण के द्वारा अ को ला रहे हो, और ऐसे ही पथिन में आ का जो विधान है डायरेक्ट विधान है, वृद्धि शब्द का माध्यम से नहीं ला रहे। वृद्धि गुण शब्द के माध्यम से जहाँ लाएंगे वहां वहां पर ही एक उपस्थित होगा। गुण इत्यव यत्र गुणो विधीयते, वृद्धि इत्यव यत्र वृद्धि विधीयते, ऐसा होना चाहिए। किम वक्तव्यम एतत्, क्या ये बात संजय विधाने नीमा जो आपने कही, वार्तिककार ने कही है ना, तो संजय विधाने नीमा एक ग्रहण करना चाहिए, ये बात शुरू में कह दी वार्तिककार ने ही स्थापित की ये बात कि व्यंजन निवृत्ति के लिए आत् संध्यक्षर व्यंजन निवृत्ति के लिए, तो एक ग्रहण किम वक्तव्य में, क्या ये बात कहनी चाहिए? नहीं, कथम अनुचमान मस्ते गुण वृद्धि ग्रहण सामर्थ्यात्, इको गुण वृद्धि में जो गुण वृद्धि पढ़ा है ना, इस सामर्थ्य से ये बात निकल रही है कि संजय विधाने नीमा। वार्तिककार ने तो संजय विधाने नीमा ये बात कही, तो फिर भाष्यकार ने बात उठाई कि क्या ये बात कहनी चाहिए? नहीं, क्यों? गुण वृद्धि ग्रहण सामर्थ्यात, गुण वृद्धि ग्रहण सामर्थ्य नहीं करनी चाहिए। कथम पुनरअंतरीण गुण वृद्धि ग्रहणम इको गुण वृद्धि से आता, हम कहते सामर्थ्य तो तब होता है, ये सामर्थ्य ऐसे बताया करते हैं, सामर्थ्य तब है जब उसके बिना भी काम चले, और उसके बिना काम चले फिर भी ग्रहण करें तब कोई एक अतिरिक्त सामर्थ्य आ जाती है, उसके बिना काम ना चले तो फिर सामर्थ्य नहीं। जैसे इको गुण वृद्धि है, गुण वृद्धि कहे बिना यदि गुण वृद्धि का अर्थ उपलब्ध हो जाए तब तो गुण वृद्धि का ग्रहण करना सामर्थ्य बनेगा, और गुण वृद्धि ग्रहण किए बिना गुण वृद्धि का अर्थ यदि ना मिले और फिर गुण वृद्धि कहे तो कोई सामर्थ्य नहीं, फिर तो ठीक है, गुण वृद्धि अर्थ बताने के लिए गुण वृद्धि ग्रहण कर दिया। तो वही भाष्यकार पूछ रहे हैं कि कथम पुनरअंतरेण गुण वृद्धि ग्रहणम, गुण वृद्धि ग्रहण में के बिना ही इको गुण वृद्धि कथम विज्ञास्यते, इका स्थाने गुण वृद्धि भवता कथम विज्ञास्यते, इका स्थाने कथम गुण वृद्धि स्याताम। कहते प्रकृतम गुण वृद्धि ग्रहणम अनुवर्तते क्व प्रकृतम, प्रकृतम शब्द का अर्थ होता ऊपरी प्रस्तुतम, ऊपरी प्रस्तुतम ऊपर जो निर्दिष्ट उसको प्रकृतम कहते हैं। प्रकृतम गुण वृद्धि ग्रहणम अनुवर्तते, प्रकृतम ऊपर जो निर्दिष्ट है ना, समस्त पदम माने ऊपरी ऊपर प्रस्तुतम ऊपरी अव्यय समस्त भी कर सकते हैं, अधः एक भी कर सकते हैं, अध्याय को अलग भी कर सकते हैं, वो तो संधि हो रही है अधोलिखिता नाम, एक भी कर सकते हैं, मैं यही कर रहा हूँ, अधोलिखिता इति अधोलिखिता, एक रेखा में लिख देते हैं ना ऐसे, कभी कभी संधि जैसे होती है
प्रकृतम ऊपर निर्दिष्ट जो गुण वृद्धि अनुवृत्ति ले आएंगे वह प्रकृतम बोले कहां पर है ऊपर निर्दिष्ट समस्त द्विवचनांत तो प्रकृत नहीं है बोले कोई बात नहीं वृद्धि आदेश में एक है अधिक गुणा में एक है दो सूत्रों से ले आएंगे वृद्धि और गुण तो जरूरत नहीं है ना अब यहां यदि तदन वर्तते अधेंगुणा वृद्धिश्च इति अधेंगा वृद्धि संज्ञा भी प्राप्त होती यदि उसकी अनुवृत्ति लाओगे तो अधेंग गुणो भवति वृद्धिश्च जो अधेंग होते हैं ना अ ए ओ होते हैं ना उनका नाम गुण रखा है फिर वृद्धि की अनुवृत्ति लाओगे तो वृद्धि संज्ञा भी पाएगी वृद्धि संज्ञा भी पाएगी अ ए ओ की अनुवृत्ति आएगी तो जल स्रोत की तरह बहती हुई आएगी तो बीच में जो आएगा उसको भी गीला करेगा जल जैसे तो उसको बता रहे हैं संबंधम अनुवर्तिष्यते यदि तद अनुवर्तते अधेंग गुणा वृद्धि इति अधेंगाम वृद्धि संज्ञा भी प्राप्त होती प्रदीप देख सकते हैं पूर्व सूत्रे संजी संबंधाय उपात्त यादृशो वृद्धि शब्द तादृशे उत्तरत्र अनुवर्तते इति अधेंगाम इति उक्तम पूर्व सूत्र में संजी संबंध के लिए पढ़ा है ना पूर्व सूत्र मानी वृद्धि आदेश में पूर्व सूत्र में संजी संबंध के लिए पढ़ा है संजी कौन है आ आई औ उसके साथ संबंध बताने के लिए वृद्धि शब्द पढ़ा है संजी संबंध आय उपाता यादृशा वृद्धि शब्द जैसा पढ़ा है तादृशा उत्तरत्र अनुवर्तते वैसा ही आगे सं बढ़ा है तो आदेंग की भी पाएगी तेन न चोदनीयम वृद्धि शब्दो अनुवर्तमाना आदेचा प्रत्यायेति ये तो नहीं कह सकेंगे कि वृद्धि शब्द अनुवर्तमान होता हुआ आ आई औ का बोध कराता है मतलब संजी परक आ रहा है वृद्धि शब्द जैसा ऊपर पढ़ा है वैसा ही आ रहा है ऐसा तो शंका नहीं करनी चाहिए कि वृद्धि शब्द जब अनुवर्तमान होगा ना तो वो आ आई औ का बोध कराएगा तो आदेचाम गुण संज्ञा प्राप्त होती आ आई औ की गुण संज्ञा ये शंका तो मत कर लेना भाष्यकार ने ये कहा ना अ ए ओ की वृद्धि संज्ञा पाएगी उल्टी शंका भी तो हो सकती थी कि वृद्धि का अर्थ हो जाए आ आई औ वृद्धि मानी आ आई औ और वृद्धि की अनुवृत्ति आए तो आ आई औ की नीचे वाले सूत्र में गुण संज्ञा प्राप्त होती ये अपने मन में शंका मत उठाना वृद्धि शब्द पहले जैसे संजी के साथ संबंधित हो रहा है आ आई औ की वृद्धि संज्ञा होती है और उसकी अनुवृत्ति जाएंगे तो ये अर्थ निकलेगा कि अ ए ओ की गुण संज्ञा होती है तथा वृद्धि संज्ञा होती है ऐसा निकलेगा ठीक है ना नागेश ने दिया यादृश मान स्वरूप पदार्थ का जिस तरह का ऊपर वृद्धि शब्द है कैसा है ऊपर स्वरूप पदार्थक संजी पदार्थक नहीं है ऊपर तो संज्ञा संजी स्थल में मानी वृद्धि आदेश में तो वृद्धि शब्द स्वरूप पदार्थ की है ना स्वरूप पदार्थ मानी वृद्धि ये स्वरूप वाला स्वरूप पदार्थ का ननु एवं सति उत्तरत्र निषेध्य समर्पणार्थम गुण वृद्धि ग्रहण चारितार्थेन सामर्थ्यम दुरुपपादम ऐसा यदि करोगे पूर्व सूत्राभ्याम अनुवृत्तयो गुण वृद्धि शब्दयो स्वरूप परत्वे सति एवं सति का अर्थ है ननु एवं सति उद्योत में लिख रहे हैं कि ननु एवं सति ऐसा मानोगे कि पूर्व सूत्र से जो गुण वृद्धि आ रहे हैं वो स्वरूप परक हैं निषेध का समर्पण करने के लिए हैं गुण वृद्धि निषिद्ध होती है गुण वृद्धि न धातु लोपार धातु के में जैसे निषेध समर्पण के लिए स्वरूप परत्वे सति पूर्व सूत्र से अनुवृत्त जो गुण वृद्धि शब्द हैं वो निषेध्य समर्पणार्थम गुण वृद्धि ग्रहण से चारितार्थेन
गुण वृद्धि ग्रहण के चरितार्थता को लेकर सामर्थ्य नहीं बनेगा। अनुवर्त मानस से स्वरूपरत्व निषिद्ध समर्पकत्व अभावादिति चेतन। अनुवर्तमान जो शब्द है वो तो स्वरूप परक है, निषेध्य समर्पकत्व अभावात्, निषेध्य समर्पक नहीं हो सकता ऐसा कहो तो ठीक नहीं। आगंतुना अंतिनिवेशयति न्यायेन अधेंग सूत्रे गुण पदोत्तरम वृद्धि पदोपस्थित्या तत्साहचर्येण तत्र सूत्रे स्वरूप परत्वम तस्य उत्तरत्र तु योग्यतया अर्थपरत्वम। एक न्याय है आगंतुना अंतिनिवेश, जो आते हैं ना वो अंत में बैठते हैं, जैसे हम दुर्वचन आदि करते हैं ना, जैसे हम दुर्वचन करते हैं पच पच, तो आगंतु नाम अंत्य निवेशा ये इस पच के बाद में बैठता है, ये पच जो दूसरा पच आता है, दो चरण करते हैं ना, एक पच के दो चरण करते हैं, तो आगंतु नाम अंत्य निवेशा न्याय अधेंग सूत्रे, जैसे ऊपर से वृद्धि आएगा तो अधेंग गुण है, गुण के अंत में बैठेगा वृद्धि, गुण पदोत्तरम वृद्धि पदोपस्थित्या तत्सहचर्येण तत्र सूत्रे, और उसके साहचर्य से उस सूत्र में स्वरूप परत्वम तस्य तत्सूत्रे, माने गुण पद तत्साहचर्य गुण पद के साहचर्य से उस सूत्र में तो स्वरूप परत्व ही जाएगा, उस सूत्र माने अधेंगुणा सूत्र में। उत्तरत्र योग्यता अर्थ परत्वम, उत्तरत्र माने न धातु लोपार धातु के जो सूत्र है उसमें योग्यता के आधार पर अर्थ परत्व माने आ आई और अर्थ लेंगे। इकाइति सूत्रे भी न धात्वादि साहचर्येण अर्थ परत्वम, और जो इको गुण वृद्धि ग्रहण सामर्थ्यादिति भाष्योक्तम सामर्थ्यम संपादयति नागेश जो है इकाइति सूत्रे भी, और इका जो सूत्र है ना इको गुण वृद्धि, इसमें भी न धात्वादि साहचर्येण, धात्वादि के साहचर्य से अर्थ परत्व लिया जाएगा। इकाइति षष्ठी निर्देशाचेति भाष्याशयात्, इका में षष्ठी निर्देश किया है, इसमें भी ये भाष्य का यही तात्पर्य है। तो ये आगे एक दो तीन चार पांच छः, पांच छः दे रहे हैं, छः दे रहे हैं, छः समाधान दे रहे हैं इसका कि कैसे अधेंग गुणा में बाधा नहीं पड़ेगी। अधेंग गुणा में वृद्धि आने पर भी, वृद्धि की अनुवृत्ति आने पर भी अ ए ओ की वृद्धि संज्ञा क्यों नहीं हो पाएगी, छः समाधान दे रहे हैं, एक नहीं छह समाधान दे रहे हैं।